गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जिला अस्पताल के आर्थो ओटी में हाथ का ऑपरेशन सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने शाम 7:30 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के गेट पर लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए मंदिर सुरक्षा में लगे पीएसी व पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया था। अफरा तफरी में पकड़ने के दौरान उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 5 दिनों के पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को मुर्तजा की रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर न्यायालय में उसको पेश कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने मुर्तजा अब्बासी की 5 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया। उसके बाद 16 तारीख तक एटीएस ने पूछताछ की और 16 अप्रैल को न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सरकार ने मुर्तजा के ऊपर यूएपीए की धारा लगाया है और मामले की जाँच NIA को सौंपा है, जिससे मामले की जांच NIA कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उसके हाथ का एक्सरे करवाया गया। देर रात आई रिपोर्ट में मुर्तजा बिल्कुल स्वस्थ था, जिसके बाद बुधवार की दोपहर में 1.25 घंटे तक डॉक्टरों ने उसके हाथ का ऑपरेशन किया, जिसके संबंध में मुर्तजा अब्बासी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मुर्तजा को 24 घंटे अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। गुरुवार को चेकअप के बाद मुर्तजा को जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के मुर्तजा अब्बासी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, आपके पास बैलेंस पड़ा होगा दुनिया ऑफिस चला जाए। डॉक्टर राकेश कुमार, आर्थो सर्जन। मुर्तजा अभी आए थे, उनके हाथ के बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी और अंदर लगभग 1 घंटा ऑपरेशन चला और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अभी स्थिति सामान्य है। सर आगे की क्या स्थिति है? अभी अंडर ऑब्जर्वेशन आएंगे, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जाएंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन आएंगे, फिर उसके बाद जैसा होगा फिर बताया जाएगा। कितने दिन लगभग रखा जाएगा सर? थोड़ा सा अभी इनके स्थिति पर डिपेंड करता है, एटलीस्ट 24 घंटा तो रखा ही जाएगा। जी, मुर्तजा को कल जेल से लाया गया था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उसके हाथ की हड्डियाँ टूटी थी और जो डॉक्टर साहब देख रहे थे, डॉक्टर राकेश, उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस करा था। कल उसको लाया गया था, कल उसकी सारी ऑपरेशन से संबंधित जांचें हुई हैं। कल सारी जांचों के बाद उसको जब शाम को रिव्यू करा गया, सब रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो वो फिट पाया गया था। तो आज उसकी सर्जरी प्लान करी गई थी, आज 10 बजे के करीब उसको ओटी में लाया गया। बेहोशी वालों ने चेक करा, चेक करने के बाद उसका दोनों हाथों की हड्डी का ऑपरेशन करके उसमें रॉड डाली गई है। सर कितने कब तक डिस्चार्ज? अब ये तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वही देख के बता पाएंगे, वो अपना एसेस करेंगे, जो टीम थी NSCC वाली वो एसेस करेगी, उसके हिसाब से वो अपना बताएंगे कब डिस्चार्ज करना है। सर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा था या प्रक्रिया दे रहा था? नॉर्मल अपनी बातें कर रहा था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। हम लोग से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर बेहोशी डॉक्टर साहब ने उसको बेहोश करके ही हम लोगों ने ऑपरेशन करा है, तो हमसे बहुत बातें नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन के बाद जैसे आम मरीजों को जब होश में लाया जाता है तो बात करी जाती है, जैसे वो नॉर्मली बात कर रहा था। सर